बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है, आप लोग देख रहे हैं राणा जमील डेयरी फार्म। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आजकल की मकई की जो पोजीशन है, जो चारे की पोजीशन है, वो आजकल कैसी है? जिन फार्मर हजरात के पास चारा नहीं है, जिनके पास बरसन वगैरह की तैयारी अभी नहीं हुई, अभी लेट है, कम से कम भी एक महीना बरसन लेट है। अभी हमारे पास भी जैसे कि चारा ख़त्म हुआ हुआ है, जैसे कि हमने पहले रोड ग्रास वगैरह, कोरिया, ज्वार, ये चारे हमारे पास पहले मौजूद थे, अब हमारे पास वो चारे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं जी अपने फार्म के अंदर, तो हमारे पास मिल्किंग वाले जानवर भी हैं और हीफर्स भी हैं। हमने क्या किया है जी, मकई परचेज़ करना शुरू कर दी है। मकई किस तरीके से परचेज़ करना शुरू की है ये आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। तो बड़े ज़बरदस्त रेट से, अच्छे रेट से हमें मकई मिल रही है, तो मैं ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ किस रेट पे हमें मिली है। छली वाली मकई जो नहीं मिल रही और बग़ैर छली की अगर मिल रही है आपको चारे के लिए, वो आप ले लें। ये चेक करें जी, पौधे के अंदर छली थी, वो छली उतार ली है, देख लें जी, ये छोटे बैग हैं, इनके अंदर डाल दिए छली, ठीक है जी। और इसकी हाइट भी चेक कर लें मकई की, और उसके बाद ये देख लें, अभी ये छली उतार लेंगे, ठीक है जी। और ये देखें, ये छली उतार ली जाएगी, और ये देखें, ये सारी छलियाँ उतार ली जाएंगी। मकई जो है ये देखें जी, लोड हो रही है, तो इसको हम फार्म के अंदर लेके जाएंगे। और इसकी मैं कीमत की भी बात करता जाऊंगा, एक एकड़ हमने जो परचेज़ किया है वो कितने का परचेज़ किया है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, ठीक है जी। ये देख लें, नीचे से कटाई कर रहे हैं और बिल्कुल ग्रीन है, और नीचे से भी पत्ते हैं जो वो खुश्क हैं, एक, ये दो और ये तीन, तीन पत्ते हैं बस जो खुश्क हैं, बाकी तो बहुत अच्छे तरीके से बड़ी ग्रीन मकई पड़ी हुई है माशाल्लाह। एक एकड़ हमें कितने का ये पड़ा है बग़ैर छली के, जो ये एक एकड़ 14,000 रुपये का हमने लिया जी, एक एकड़ 14,000 रुपये का, ये देख लें जी, ठीक है जी। वैसे आजकल जो मरले का रेट चल रहा है, तो मरले के हिसाब से तो आजकल 600 रुपये मरला, 500, 600 यहाँ पे एक मरले के रेट चल रहे हैं। तो हम ऐसे कर रहे हैं जी, अपने फार्म के अंदर छल्ली मालकों को कह लेते हैं उतार ले, ठीक है, या हम उतार देते हैं, जो मकई है ये हम ले जाएंगे, ठीक है जी। वो कहते हैं जी ठीक है, हमने फी एकड़ 14,000 रुपये के हिसाब से ये मकई हम ले रहे हैं, और जानवरों के लिए चारा हम यकीन करके बहुत अच्छे तरीके से, हमारे जो फार्म का सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमने अपना चारा भी काश्त किया हुआ है, लेकिन अभी वो लेट है, इस वजह से हमने ये मकई परचेज़ की है कि चारे की कमी ना हो। हम जितना साइलेज महंगा है, तो यकीन करके 500 600 रुपए मन के हिसाब से, हमने तो कभी साइलेज परचेज़ नहीं किया, तो एक दो बार परचेज़ किया था, और उसके बाद बाकी हम परचेज़ नहीं करते, मकई परचेज़ करके उसका ही साइलेज बनाते हैं, ठीक है जी। अभी ये देख लें, लोड हो रहा है, सीधा फार्म के अंदर जाएगा जी, मकई है ये सारी फार्म के अंदर जाएगी फांडरों के लिए, और बाकी जो मिल्किंग वाले जानवर हैं अब उनको मकई, अकेली मकई जो है नहीं डाल सकते, क्योंकि जो मकई आप अकेली अगर किसी दूध वाले जानवर को डालोगे तो दूध खुश्क कर देगा जी, दूध उसका ख़त्म हो जाएगा जानवर का। आप कोशिश करें कि ग्रीन चारे के साथ साथ साइलेज आपका ज़रूर डालें, वंडा भी ज़रूर डालें, ठीक है जी, दूध वाले जानवरों को। अकेला जो फांडरों के लिए आपके पास जानवर खड़े हुए हैं जो दूध कम दे रहे हैं जानवर, उनको अलग करके ये ग्रीन चारा आप इस्तेमाल, आपको पता है कि कितने फार्म के अंदर किल्लत होती है, ग्रीन चारा ना हो तो फार्म नहीं चल सकता। तो इस तरीके से हम मकई परचेज़ कर रहे हैं जी, बाकी जो दाने वाली जो मकई है वो साइलेज के लिए हम अलग मकई परचेज़ करते हैं। से हर बंदे का आजकल बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, जैसे कि आजकल मकइयाँ ही हैं बस, और तो कोई चारा नहीं है, बरसन लेट है, सब कुछ लेट है, तो मकई के साथ साथ ही चलना पड़ता है। तो मकई हमें इस रेट पे मिल रही है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेट है जी। मैं कोई भी काम करता हूँ अपने फार्म के अंदर, कुछ कोई ना कोई बात होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, हम अपने फार्म के अंदर कौन सी खुराक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। आजकल मैं वीडियो का कम अपलोड करता हूँ, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करता, आप बिज़ी होते हैं आजकल, तो इसलिए। अभी ये देख लें जी, हमारे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से इधर आए हैं खेतों में, तो ये मकई वगैरह की तरफ आए हैं, तो देख लें जी। तो फ्रेंड्स, आप सारी वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाई,
तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो हमें आप इजाज़त दीजिए, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।